फ्रेंड्स हमारे पास है आज पेट्रोल, थोड़ा और लेते हैं इसमें पेट्रोल, और इस पेट्रोल में हम डालने वाले हैं इनो। देख सकते हैं ये हमने आधा गिलास भर चुके हैं, थोड़ा सा और डाले क्या, रहने देते हैं, कोई बात नहीं, काफ़ी है तो हम इनो के पाउच को फाड़ते हैं। तो ये है इनो का पाउच और हम इसे इसमें डालते हैं, तो चलिए डालते हैं। डाल दिया तो आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी सी रिएक्शन शुरू हो गई, इसमें ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये पेट्रोल है, इसमें धीरे धीरे रिएक्शन चालू हो गई। देख सकते हैं आप इसमें बुलबुले भी बन रहे हैं। बुलबुले इसमें बन रहे हैं, पूरी की पूरी पाउच हमने इसमें डाल दी है, क्यों ना भाई इसमें हम पानी डालें। थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है, देख सकते हैं इसमें बुलबुले चालू हो गए, ये रिएक्शन शुरू हो चुकी है। ये सारे बुलबुले बाहर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये सारे बुलबुले जो है वो बाहर आ चुके हैं। जो इनो है ये पेट्रोल के साथ रिएक्ट बहुत कम करता है, और पानी के साथ और दूध और इनके साथ अच्छे से रिएक्ट करता है, क्योंकि इनके इसके अंदर जो काफ़ी सारे एसिड होते हैं। थोड़ा और डालते हैं, थोड़ा सा और, तो देख सकते हैं वो झाग जो है बुलबुले वो नीचे आ चुके हैं। थोड़ा हम लकड़ी से हिलाते हैं इसको कि अंदर पेट्रोल है या कुछ और इसका रंग परिवर्तन हो चुका है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है इसका रंग परिवर्तन हुआ होगा, तो हम थोड़ा सा नीचे गिरा के देखते हैं, तो नहीं हुआ, ये पेट्रोल ही है पूरी तरीके से। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और छोटे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही वीडियो बनाने का मौका और हौसला मिलता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।